ग्राम है नानक फार्म, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, चीनी मिल पलिया, जिला लखीमपुर खीरी। और हमारे साथ देखिए जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं सरदार सुखविंदर सिंह जी और श्री आदित्य तिवारी जी, तो दो धुरंधर किसान हमने स्क्रीन पे खड़े कर दिए हैं कि एक दूसरे से पूछें कि इतना लंबा गन्ना ये कैसे कर ले रहे हैं। तो ये जो स्क्रीन पे गन्ना प्रजाति दिख रही है तो सरदार सुखविंदर जी का जो खेत है इन्हीं से पूछ लेता हूँ कि ये कौन सी गन्ना प्रजाति है। 84-36 है सर। 84-36, इतना लंबा तो होता नहीं है, ये मैंने अक्टूबर में इसकी बिजाई की है। इतना लंबा कैसे हो गया? ये तो मैं भी नहीं जानता है इतना लंबा कैसे होगा, लेकिन अक्टूबर में इसकी बिजाई है तो फिर अब इस गन्ने की लंबाई का राज खोल ही दीजिए आप। सर। मैंने इसको पहले कभी अक्टूबर में 84-36 को नहीं बोया था। जब हम इसको पहले बोते थे तो ये गन्ना 10 से 11 फुट तक ही जाता था। अब कितना होगा? आज मुझे लग रहा है ये गन्ना हमारा 15 से 16 फुट की हाइट में होगा अक्टूबर की बिजाई में। तो इसका कुछ राज बताइए, सीक्रेट क्या है? ऐसा तो कोई सीक्रेट नहीं है, फिलहाल हमें लगता है ये वैरायटी दोबारा से तैयार हुई है, इसलिए हो सकता है इतनी लंबी हो गई हो। कितने साल के बाद आपने 84-36 को दोबारा हाँ, बोया? मैंने इसको लगभग 10 से 12 साल के बाद में 84-36 को लगाया, फिर भी इसको मैंने बड बना के ही बोया है। ये जो बोया कितनी गया दूरी पे बोया है? ये है 1 फुट की दूरी पे। गन्ने से गन्ने जो टुकड़ा आपने डाला था जी, सिंगल बड बोया हुआ है सिंगल सर। बड बोया हुआ है। सिंगल? अच्छा, नाली से नाली कितनी दूरी है? नाली से नाली भी ये लगभग मेरा आइडिया होगा कि 3 फुट के आसपास होगी। 3 फीट के आसपास। एकड़ के हिसाब से पूछूं, तब आपने खाद कितना डाला? एक बोरा तो इसके अंदर एनपीके पड़ा हुआ है, उसके बाद में मैंने इसके ऊपर दिया है इसको नाइट्रोट, एक जिंक और एक बोरा यूरिया मात्र इसके ऊपर इसके पूरे जीवन काल में? पूरे जीवन काल में। और ये इसी के साथ में 14201 है वैरायटी, अच्छा, उसको भी सेम हमने यही डोज दी है। ये स्क्रीन पे जो आपको दिखा रहा हूँ CULK 14201 और 84-36, ये बहन बहन नहीं लगती? मेरे को तो अब लग रहा है 14201 से ऊपर है 84-36। हाँ है, हाँ जी लेकिन आप लोग कहने लगे हैं कि 14200 जो एक है जी वो 84-36 की ही तरह है और उतनी ही सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, उतनी ही सेवा करनी पड़ेगी। क्यों बिल्कुल आदित्य जी भाई, जी बिल्कुल यही कहना है। आप भी कुछ बताइए। ये बिल्कुल बराबर ही सेवा करनी पड़ेगी, बराबर। तभी ये बड़ी हो पाएगी। हाँ जी, ये 238 जैसी खड़ी है। सुखविंदर हाँ जी, लंबाई इसकी बहुत लग रही है। जी आपसे पूछूं कितना उत्पादन हो जाएगा तो आप क्या अनुमान लगाएं एकड़ में? प्रति एकड़ हाँ, लगभग मेरा आइडिया प्रति एकड़ इसका 600 क्विंटल के समथिंग जाना चाहिए। 600 कुंतल। देखिए बता रहे हैं कोसा 84-36 जी, जाएगी और जैसा लग रहा है, क्यों आदित्य जी? ये लग रहा, अनुमान तो यही लग रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा गन्ना है। तो गन्ने की हाइट और मोटाई देखकर अनुमान यही लग रहा है। हाँ, तो ये 84-36 है, ओल्ड इज गोल्ड। यस, इसकी लंबाई आप देखिए और अंदर भी दिखा देता हूँ। चलिए जरा खेत के अंदर भी चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गन्ने भी कितने अच्छे बने हैं, उसकी पोरी भी 238 की तरह लग रही है। कोसा 84-36। और ये देखिए अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ प्लांट, इसका गन्ना वैसे भी मोटा होता है। देखिए कितने गन्ने बने हुए हैं सुखविंदर जी, हाँ जी, गिन के बता सकते हैं कि एक मोड़ में कितने गन्ने बने हुए हैं? 21 से 22 गन्ने हैं एक मोड़ के अंदर हैं। 21 से 22 गन्ने जी, एक मोड़ के अंदर हैं। हाँ जी, और सारे गन्ने स्वस्थ हैं, कोई भी गन्ना इसमें छोटा नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो दिख रहा है। हाँ जी, ना ही कोई गन्ना डैमेज है, सारे गन्ने स्वस्थ हैं और हमें लगता है कि सारे गन्नों की हाइट भी बराबर होगी। हाइट भी बराबर होगी, सही हाँ कह रहे जी, हैं आप। तो देखिए 84-36 बजट अच्छी है। और कितना उत्पादन आपने कहा एकड़ में हो जाएगा इसका? समथिंग 600 क्विंटल 600 कुंतल आप कह रहे हैं जी। सुखविंदर जी। हाँ जी, आदित्य जी क्या कहना है आपका? उम्मीद पूरी 600 कुंतल निकलना हाँ, चाहिए, जैसा गन्ना लग रहा है ये निकलना चाहिए। निकलना चाहिए क्योंकि मैंने जब 10 साल पहले 84-36 को बोया था, 10-12 साल पहले, जी। तब मैं इसको फरवरी का गन्ना समथिंग 450 से 500 क्विंटल काट चुका हूँ, फरवरी अच्छा, का गन्ना अक्टूबर जी। का, ठीक है। ये पहली बार हमने अक्टूबर में बोया इसको। अच्छा, हाँ जी बहुत अच्छा लगा भाई सुखविंदर जी। आपने एक ओल्ड इज गोल्ड प्रजाति है जी जो उस समय काफ़ी लोकप्रिय थी हमारे कृषक बंधुओं के बीच में, जी और जब खेत में खड़ी होती थी तो अच्छी लगती अच्छी थी लगती थी जी, और तूफान भी आ जाता तो गिरती नहीं गिरती थी। नहीं तो थी। देखिए अभी आपने फिर ये 10 साल बाद कह रहे हैं हमने इसको बोया है हाँ जी, और कोई रोग नहीं है कोई इसमें? रोग नहीं है, जी। तो देखिए बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा खाली गन्ना एक स्प्रे दिखाया, कोरा जिनका हुआ है, कोई फंगीसाइड नहीं डाला गया है। गन्ने काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, अच्छी गन्ना प्रजाति दिखाने के लिए।